फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेशन नंबर 8, जो हमारे बर्ड पावर मेडिजी बुक से रिलेटेड है और जिसके राइटर है नॉर्मन लिस। और आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ एटमोलॉजी। शायद मैं ये बर्ड बताना भूल गया था। एटमोलॉजी, लॉज यानी स्टडी, एटमो यानी होता है बर्ड, यानी शब्द, यानी शब्दों की स्टडी या शब्दों का उत्पादन, शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है। तो इसके बारे में जो स्टडी करता है उसको एटमोलॉजिस्ट बोलते हैं, और उसके बारे में स्टडी करना एटमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और हम जानते हैं, नेक्स्ट हमने यहाँ पर कुछ रूट वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है, और यहां से लेके जो यहाँ तक, ठीक है, सॉरी यहां तक हमने रूट वर्ड लिखे हुए हैं, यहां तक, ओके। रूट वर्ड में सबसे पहले साइक आपने पढ़ा चुका है, स्पिरिट, माइंड, सोल, कुछ भी बोल सकते हैं। आइट्रिया, IATREIA, आप इसकी जो आप रूट वर्ड है इसकी स्पेलिंग पर मत जाना, आपको बस इससे रिलेटेड अर्थ याद रखना है, क्योंकि जो रूट वर्ड होते हैं वो वोकैब के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो कहीं ई लग जाएगा, कहीं ये लग जाएगा, तो इससे आपको परेशान नहीं होना है। बस आपको याद रखना साइक यानी होता है स्प्रिट, आइट्रिया यानी मेडिकल हीलिंग मतलब उपचार। आईसी किसी वर्ड में लगा होता है, वो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव यानी किसी प्रकार की, किसी शब्द की विशेषता बतलाने वाला, ओके। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में सब कुछ पढ़ चुके हो, नहीं पढ़े हैं तो हम आगे चलकर पढ़ेंगे। और नेक्स्ट हमारा रूट वर्ड है सोमा। सोमा मीन्स होता है बॉडी यानी शरीर। नेक्स्ट रूट वर्ड है जेनेसिस, जेनेसिस मीन्स बर्थ या ओरिजिन, किसी चीज का जन्म कैसे होता है उसको बोलते हैं जेनेसिस, उससे रिलेटेड है। पैथोज यानी होता है सफरिंग, मतलब किसी चीज के पीड़ित होना, उसको बोलते हैं पैथोज। हम बोलते हैं ना एलोपैथिक, कोई चीज एलोपैथिक का मतलब आपने कोई दवाई खाई, एलोपैथिक होती है, होम्योपैथिक होती है, ठीक, किस चीज से जाओ सफरिंग सफर्ड होते हैं तभी आप किस चीज की मेडिसिन लेते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, रूट वर्ड खत्म होते हैं। अब हम सेशन नंबर 8 में जो हमारे से 10 बुक पढ़ने वाले हैं तो हम ये पढ़ते हैं। देखो, हमारा सबसे पहला साइक, वही है स्प्रिट, मेंटल लाइफ से रिलेटेड साइक वही हो गया, रूट वर्ड से बड़े भी बना सकते हैं। साइकिक का मतलब होता है साइक यानी होता माइंड, आई से हमने क्या एडजेक्टिव, मतलब माइंड की क्वालिटी बताने वाले को साइक बोलते हैं। साइकिक यानी एक ऐसा शब्द जो माइंड की क्वालिटी बताता है उसको साइकिक, PSYCHIC यानी पर्टेनिंग टू द ह्यूमन माइंड, या ह्यूमन माइंड भी कह सकते हैं, पर्टेनिंग टू द माइंड, किसी का भी माइंड हो सकता है। पर्टेनिंग यानी किसी, पर्टेनिंग का मतलब होता है किसी चीज से संबंधित। साइकोपैथी, साइक यानी माइंड, पैथी यानी क्या हमने अभी पढ़ा, जे पैथोज यानी सफरिंग, यानी मेंटल और इमोशनल डिस्टरबेंस, यानी मेंटल और इमोशनली जब कोई किस चीज से पीड़ित होता है उसको बोलते हैं साइकोपैथी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास साइकोसोमेटिक, PSYCHOSOMATIC, साइकोसोमेटिक। साइक यानी माइंड, सोमा यानी बॉडी, आईसी यानी एडजेक्टिव, यानी माइंड और बॉडी के रिलेशन को बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, साइकोसोमेटिक, यानी इंटरेक्शन ऑफ माइंड एंड बॉडी, माइंड और बॉडी का जो इंटरेक्शन यानी तालमेल होता है उसको बोलते हैं साइकोसोमेटिक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास साइको एनालिसिस, साइक यानी माइंड, एनालाइज यानी किसी चीज के बारे में स्टडी करना, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, किसी भी चीज का साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट करने को बोलते हैं साइको एनालिसिस। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास साइकोजेनिक, हमने पढ़ा है साइक यानी माइंड, जेनिक यानी जेनेसिस मींस बर्थ या ओरिजिन, किसी चीज के जन्म से रिलेटेड को बोलते हैं जेनिक, यानी साइकोजेनिक यानी माइंड का ओरिजिन कैसे हुआ है इस चीज से रिलेटेड स्टडी करने के लिए हम साइकोजेनिक शब्द का उपयोग करते हैं, यानी ओरिजिन ऑफ माइंड। साइकोथेरेपी, थेरेपी यानी उपचार, साइको यानी माइंड, माइंड का उपचार कैसे करते हैं उसको बोलते हैं साइकोथेरेपी, यानी जनरल टर्म ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, एक साधारण शब्द या टर्म बोल सकते हैं जिसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में उपयोग किया जाता है उसको बोलते हैं साइकोथेरेपी। साइकोपाथ, साइक यानी माइंड, पाथ यानी क्या होता है सफरिंग, तो यहां पर पाथ लगा, हमने पैथ कुछ नहीं लिखा, इसलिए कहा कि रूट वर्ड में जो भी होता है एक दो अक्षर नाम है होते रहते हैं, ठीक है। साइकोपाथ यानी लैकिंग ऑफ सोशल कंसाइंस, साइको यानी माइंड, पाथ यानी सफरिंग, यानी माइंड से सफरिंग, जो मतलब माइंड से डिस्टर्ब होता है वो
लोगों से घुलना मिलना बहुत कम पसंद करता, आपने देखा होगा, तो उसी को बोलते हैं लैकिंग सोशल और कंसेंस। ठीक है, ये हो गया हमारा साइकोपैथ, और यहाँ तक हमारा सेशन 8 होता है। देखो सेशन नंबर जो है, जो आप जो भी सेशन है हमारे 5 से 10 मिनट के ही होते हैं, कुछ ज्यादा खास नहीं है। तो आप यदि ये 5 से 10 मिनट अपने 24 घंटों में से देंगे तो आपको फ्यूचर में इतना ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई, यदि समझ में नहीं आई तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं जो भी आपको चीज समझ नहीं आई है, और इस रिलेटेड और स्टडी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो आप डेस्क पे कमेंट कीजिए, और यदि किसी सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सभी की लिंक मिल जाएगी, और वहां जाकर मुझे फॉलो कीजिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर जरूर कीजिए, और आपके जो भी छोटे बड़े भाई बहन हैं उनको जरूर बताइए, अपने दोस्तों को बताइए कि आप इंग्लिश में वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं, और जो कि अभी तक का सबसे बेस्ट मेथड है वोकैबुलरी सीखने का, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि देखो रटने से कोई काम नहीं चलता, हम कहाँ तक रटेंगे, 5 से 1000 वोकैबुलरी रट पाएंगे, और आपको यहाँ पर हर दिन 5 मिनट ही देने हैं, 5 से 6 मिनट या 10 मिनट के अंदर अंदर ही आपको 10 से 20 वर्ड ऐसे याद हो जाते हैं, और आप स्वयं भी बना सकते हैं रूट से बहुत सारे हजारों वर्ड्स बना सकते हैं। आप बस थोड़ा प्रयास कीजिए और आप बनाएं, और बनाकर मुझे डिस्क्रिप्शन में फोटो वगैरह भेजें या डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट करें तो ठीक है, उनको मैं देखूंगा और मैं बताऊंगा कि आपने सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं। आपको देखो सीखने के लिए देखो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे आपको देखने बस से कुछ नहीं होगा, आपको इन बुक को थोड़ी रिवाइज करना होगा, एक दोबारा आप रिवाइज कीजिए, उसके बाद आप बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे, और आप मेरा दावा है कि आप कभी भूलेंगे नहीं। ओके, तो आई होप आपको ये चीज पसंद आई हो, और इसको ठीक है ध्यान से पढ़िए। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।